आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो, और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, आप अपने खेती को पूरा पानी दीजिए, बिजली भी मिल रही है और पानी भी फ्री में मिलेगा। यह भी सरकार ने आपसे कहा था। 1100 करोड़ रुपए हमने सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से व्यवस्था की है, और 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप के बिजली बिल के भुगतान के लिए भी अलग से किया है। इसके अलावा 50,000 पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल ट्यूबवेल पर लगाने के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। हर जिले में मोटा अनाज के लिए भी और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी टेस्टिंग लैब के साथ साथ उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। आपने देखा होगा हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़, और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़, और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को।